बस रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाभी का आप कोई ऐसा लोशन बताइए, मतलब बॉडी लोशन बताइए जिससे हमारी त्वचा रूखी ना रहे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर दूं। ये है वाओ का कोकोनट बॉडी लोशन। ये देखो, ये नारियल का बना हुआ है। इसे अगर आपकी त्वचा रूखी हो, मतलब पूरे बॉडी पे इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं सिर्फ हाथ पैर में ही लगा सकते हो, पूरे शरीर पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। इसे इस्तेमाल करने से आपके शरीर पे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। तो चलो हम यहाँ पे थोड़ा सा लेके अपने बॉडी पे लगा लेते हैं कि हमें किस तरीके से लगाना है। यहाँ मैंने थोड़ा सा लिया है और इसके बाद मैं अपने पूरे हाथ पे इस तरीके से लगा लूंगी। इसकी जो खुशबू है ना बहुत ही अच्छी है। किसी किसी को जो है कोकोनट पसंद होता है, जिसे कोकोनट पसंद होगा उसे तो इसकी खुशबू बहुत ही पसंद होगी, क्योंकि मुझे कोकोनट अच्छा लगता है, पसंद है मुझे नारियल। तो जब तक हम इसे अपने बॉडी पे लगाते हैं आप इसका रिव्यू देख लो, फिर हम आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलते हैं, ठीक है? जैसा मैंने कहा था, यह है वाओ का कोकोनट बॉडी लोशन। इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देती हूँ। बाकी तो आपको इसकी पैकेजिंग पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, आप खुद ही पढ़ के जान जाओगे। तो अगर आपकी त्वचा रूखी कर सकते हो तो आप इस लोशन को किसी भी त्वचा पर इस्तेमाल कर सकते हो। बता दूं कि इसमें क्या पाया जाता है। इसमें एलोवेरा, कोकोनट मिल्क, मोरकन आर्गन ऑयल आदि बहुत कुछ हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये पसंद आए, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक करके ले लीजिएगा। क्योंकि इस समय वाओ पे ऑफर चल रहा है, आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। एवरीवन, कैसे हो आप सब? वैसे मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज मैं जो है मंदिर जा रही हूँ, बहुत दिन हो गए थे मंदिर गए हुए। तो जो मंदिर है हमारे गांव में ही है, गांव से थोड़ी दूर पे है। तो वहाँ पे माता जी का मूर्ति स्थापित की गई है और तो वहीं हम दर्शन करने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से बात कर लूँ और चलो आप लोगों को माता जी का दर्शन भी करा दे। आई होप आप लोगों को पसंद जरूर आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना और मेरे वीडियो को शेयर करना मत भूलना, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा भाभी मायके आई हैं और मंदिर भी जा रही हैं दर्शन करने, किस माता का दर्शन करने जा रही हैं। हम लोगों को भी करना चाहिए। तो आप लोग भी बोलिए, प्रेम से बोलो जय माता दी। फिर हम आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलते हैं, चलो रास्ते में मिलते हैं। हम आपको बता दें कि हम कौन कौन जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने। तो मैं जा रही हूँ और जान भी है और हमारी एक छोटी बहन है, ओ हम लोग साथ मिलके जा रहे हैं। तो अभी मेरा भाई जाएगा बाइक से, मतलब मुझे छोड़ देगा। उसके बाद वैसे मैं सोच रही हूँ क्यों ना बाइक से जाने दो, मैं कि आई हूँ थोड़ा इंजॉय कर लूँ, पैदल ही चली जाऊँ, पैदल जाने में अच्छा लगता है ना। तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि मैं पैदल जाऊँगी, बाइक से नहीं जाऊँगी। हो सकता है बाइक से आते वक्त चली जाऊँगी, लेकिन जाते वक्त पैदल चली जाऊँ, क्योंकि बहुत दिन हो गया, आज तक मैंने कभी कहीं गई नहीं हूँ पैदल। तो हमेशा जब भी देखो तब गाड़ी से ही जाते हैं। तो सोच रहे हैं मायके आए हैं तो थोड़ा इन्जॉय कर ले ना, होगा हमें मायके, तो इसलिए हम जा रहे हैं इन्जॉय करने। और चलो हमारे साथ आप लोग भी इन्जॉय कीजिए, ठीक है? चले, लेट हो रहा है। मैं हम घर के बाहर हैं, अब जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने। तो मेरा छोटा भाई आया, बोला को पैदल नहीं जाना, हम तुम्हें छोड़ देंगे बाइक से। तो मैंने कहा ठीक है चलो छोड़ दो। तो वो भी आ रहे हैं बाइक लेके, तब तक हम लोग चलते हैं। चलो बाहर का भी व्यू दिखा दें गाइस। यही है हमारा गांव और जो आगे देख रहे हो ना वो हमारी छोटी बहन है जानवी को लेके, मतलब आगे चल रही हैं, हम उनके पीछे हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने गांव का थोड़ा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, तो इसीलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। आई होप आप लोगों को मेरा गांव पसंद ज़रूर आएगा। तो जो मेरा छोटा भाई है ना वो दूसरे रास्ते से आ रहा है। उन्होंने बोला कि आप लोग इस रास्ते से आओ, हम उस रास्ते से आएंगे, क्योंकि वो जो रास्ता है ना थोड़ा गड़बड़ है, इसी वजह से हम लोगों को पैदल जाना पड़ेगा थोड़ी दूर तक। तो
तो आप लोग सोचोगे कि भाभी आपने बोला था कि हम पैदल जाएंगे मंदिर दर्शन करने और आप यहाँ बाइक पे जा रही हो, तो क्या करें, मेरा छोटा भाई माना ही नहीं, बोला कि हम आप लोगों को छोड़ देंगे मंदिर ने, छोड़ क्या, हम चलो हम दर्शन करवा देंगे और वापस भी लेके आते हैं, छोड़ते नहीं। मैंने कहा चले जाओ, लेकिन वो माने नहीं, बोले कि दर्शन कर लेना, उसके बाद ही हम तुम दोनों को घर लेके चलेंगे। गाइस जब से हम मैके आए हैं एंजॉय ही एंजॉय कर रहे हैं, खूब ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। आज मैं दर्शन करने जा रही हूँ तो वो भी हमारी बहन है, भाई है और हम हैं, जान भी हैं, तो हम चार लोग जा रहे हैं माता जी का दर्शन करने। तो चलो हम आप लोगों को माता जी के मंदिर में मिलते हैं और तब तक आप रास्ते का व्यू देख लो। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं। मंदिर पहुंचने में हमें देर हो गई क्योंकि जो यहाँ के पंडित जी थे वो कहीं चले गए हैं, अभी है नहीं। ये मंदिर हम आप लोगों को बता दूं कि किस माता जी का है, ये गायत्री शक्तिपीठ मतलब गायत्री माता का मंदिर है। हम लोग यहाँ पे दर्शन आए हैं लेकिन क्या करें, मंदिर का पट बंद हो चुका है क्योंकि इस समय 11 बज गए थे, तो 11 बजे ही उन्हें कहीं जाना था पंडित जी को, तो इसलिए मंदिर का पट बंद करके चले गए हैं। वैसे टाइम तो 12 बजे का था लेकिन आज जल्दी बंद करके चले गए हैं और यहाँ पे हवन भी होता है। तो आप लोग देख रहे हो ना कि ये जो मंडप बनाया गया है यहाँ पे हवन भी होता है, लेकिन अभी मंदिर बन रहा है तो हवन की तैयारी यहाँ होती है, सभी लोग आते हैं हवन करने यहाँ पे। तो चलो आप लोगों को मैं पूरा मंदिर का व्यू दिखा देती हूँ। अरे दोस्तों चलो आप भी माता जी का दर्शन कर लो। तो हम यहाँ पे मैं जो है कि आपको खिड़की से दर्शन करा रही हूँ क्योंकि पट तो बंद हो गया है, जैसा मैंने आप लोगों से कहा था, इतनी उम्मीद लगा के आए थे कि चलो माता जी का दर्शन मिलेगा, सौभाग्य हमारा प्राप्त होगा, लेकिन नसीब ही साथ नहीं दिया, माता जी का दर्शन अंदर से जाके नहीं मिला। मिला तो दर्शन लेकिन बाहर से मिला, मंदिर के अंदर नहीं जा पाए। आप लोग भी दर्शन कर लो, प्रेम से बोलो जय माता दी। तो यहाँ पे जो है जानवी, जानवी के मामा है तो जानवी की थोड़ी तबीयत भी डाउन थी, तो मैंने सोचा वैसे माता जी का दर्शन कर लेंगे और जानवी को डॉक्टर को भी दिखा देंगे क्योंकि इनको सर्दी हुई है, हो सकता है सीजन की वजह से इनको सर्दी हो गई है, तो वही दिखाना है, अगर नहीं दिखाएंगे तो बढ़ भी सकती है। तो यहाँ पे हम और जानवी थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे क्योंकि यहाँ ठंडी हवा चल रही थी तो मन को शांति मिल रही थी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एक किसका पेड़ है, तो एक फूलों का पेड़ है, एक गुड़हल का, गुड़हल का फूल मतलब जो होता है ना आपको पता ही है, गुड़हल का फूल हुआ, गेंदे का फूल हुआ, तो वही सब फूलों का पेड़ लगाया गया है मंदिर के किनारे किनारे। तो यहाँ पे जो नल है तो जानवी दौड़ के नल के पास आ जाती हैं और हम बोलते हैं चलो बेटा चलो, लेकिन वो मतलब आने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो हमें ज़बरदस्ती इनको उठाना पड़ा और
बाइक तक लेके आना पड़ा। आई होप माता जी का दर्शन आप लोगों को मिल गया होगा। तो हम लोग जा रहे हैं, चलो दूसरे मंदिर चलते हैं, हो सकता है कि वहाँ दर्शन मिल जाए। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, इस मंदिर का पट तो बंद हो चुका है लेकिन उस मंदिर का पट खुला रहे, ऐसी उम्मीद लगा के हम लोग उस मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो चलो हम लोग यहाँ भी पहुँच चुके हैं दूसरे मंदिर। तो आपको बता दूँ कि ये कौन सी माता है, तो ये शारदा माता है। अभी जो है मंदिर मतलब नया बना हुआ है। हम ये जो सामने देख रहे हो ना, ये भैरव जी हैं। तो चलो आप लोग भी माता जी का दर्शन कर लो और हम भी कर लें। शारदा माता का मंदिर अभी नया बना हुआ, तो हम पहली बार आए हैं दर्शन करने। चलो आप लोग भी कर लो माता जी का दर्शन, उसके बाद हम आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलते हैं। शारदे माता की, तो यहाँ पे हम जो है माता जी का दर्शन कर चुके हैं। उसके बाद जो पंडित जी रहते हैं ना मतलब माता जी का सेवा करने के लिए, उन्होंने मुझे प्रसाद दिया था। तो चलो हम परिक्रमा कर लेते हैं मंदिर के चारों तरफ। तो जो ये मंदिर है ना, दूसरे मंजिले पे है, तो यहाँ से जो बाहर का व्यू है कुछ इस तरीके से दिखता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप लोग भी थोड़ा बहुत इंजॉय कर लीजिए हमारे साथ। वैसे मंदिर आए हैं तो मंदिर आने के बाद शांति तो मिलती ही है, और इतना ठंडा ठंडा हवा चल रहा था कि मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पे जो पंडित जी ना सबको प्रसाद दे रहे थे, जाह्नवी को, जाह्नवी के मामा को, सबको दिए। तो मैं यहाँ पे मैं भी प्रसाद ग्रहण कर रही हूँ। चलो चलते हैं, माता जी का दर्शन तो हो चुका, और इसके बाद मुझे थोड़ा फल लेना था ना, तो यहाँ पे मैंने सेब लिया और केला लिया, दो मुझे फल लेना था, दोनों मैंने ले लिया है। सुबह से कुछ खा के नहीं आए हैं क्योंकि माता जी का दर्शन करना था ना, इसी वजह से कुछ खाया नहीं था, तो भूख लग गई थी जोरों से। तो मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट में आई हूँ, और ये छोटा सा दुकान है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है। तो यहाँ चलो हम कुछ खा लेते हैं, जो भी भैया बनाए होंगे, समोसा, छोला समोसा और कचौड़ियाँ, खस्ता, यही सब कुछ बनाए हुए हैं। अरे इतना छोटा भी नहीं है, फिर भी है, तो हम खा लेते हैं कुछ, भैया से ऑर्डर कर लेते हैं कि मुझे क्या खाना क्या नहीं खाना है। जो हमारा छोटा भाई है ना, वो ऑर्डर कर रहा है। तो और जाह्नवी देखो बेंच के ऊपर बैठ गई, समोसे खा रही है, और भैया भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। पूछ रहे थे ना, भाभी आपका मायका कहाँ है, मतलब गांव का नाम क्या है। तो मैं आपको कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेरे मायके का गांव का नाम करौदी कला है, तो वही हम मेरा मायका है। तो आप लोग अब तो जान गए ना, आप लोग बार बार पूछते हो और हम बार बार बताते हैं, हो सकता है कि आप मेरा वीडियो ना देखते हो। तो प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाभी ने अपने मायके का गांव का नाम बताया है।
तो मेरा मैके का गांव का नाम करौदी है। तो चलो हम खा लेते हैं, उसके बाद हम आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलते हैं, ठीक है? आप लोग देख सकते हो कि मैं अपने घर पे आ चुकी हूँ। जो सामने देख रहे हो ना, वो दोनों हमारी बहन है और हम अब घर में जा रहे हैं, क्योंकि मैंने खाना भी खाया और थोड़ा बहुत नाश्ता भी कर लिया साथ में, चटपटा तीखा। तो खाने में मैंने आज खाया बाटी चोखा, क्योंकि मुझे बाटी चोखा बहुत ही पसंद है। मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया, मुझे बताना कमेंट में कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया कि नहीं आया। अगर पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर बताना। और अब हम आप लोगों से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय मेरे दोस्तों।